चुनाव आयोग ने 16 मार्च को प्रेस वार्ता में आम लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई आरक्षित सीटों का विवरण देते हुए कहा कि हमने 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी रखी है। वाज पास्ड इन 2019, ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थी पाक ऑक्यूपाइड जेएनके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, राइट। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया, उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स, क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी, और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, इसका मतलब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिलिमिटेशन एक्ट वर नॉट इन सिंक एंड देयरफॉर देयर वाज नो ओकेजन फॉर द कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन टिल दैट हैपेंस। व्हेन डिड दैट हैपन? दैट हैपेंड इन दिसंबर 2023 बाय अमेंडमेंट इन द जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार का यह फैसला एकदम नहीं आया। पिछले साल संसद के शीत सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक संसद में पेश किए थे जो पास हुए थे, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। माननीय, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी, इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहाँ पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। माननीय, 24 सीटों को इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर माननीय इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है, और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। माननीय, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन।